अस्सलामु अलैकुम डियर प्रेप क्लास। डियर प्रेप क्लास, ये आपका थर्ड लेक्चर है आपके समर पैक का। सब्जेक्ट है आपका माय वर्ल्ड। प्लीज़ ओपन योर समर पैक। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। ही सेड टू अस, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम इन द करेक्ट कॉलम। ठीक है, जो इन पिक्चर्स को देखना है आपने और करेक्ट कॉलम में उनके नेम लिखने हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि क्वाइट है और नॉइजी थिंक है। यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे हमें इनमें से जो क्वाइट है, जो आवाज़ नहीं पैदा करती, वो हम सारी यहाँ पे लिखेंगे, और जिनकी आवाज़ हमें आती है वो हम इस साइड पे लिखेंगे। जस्ट पेंसिल है तो वो क्वाइट है, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि टीवी है, वो नॉइजी है, उसकी आवाज़ हमें आती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आपने इस तरह से इस पेज को सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट है हार्ड एंड सॉफ्ट थिंग। इसमें से हार्ड थिंग्स जो हैं उनको आपने, जो आसानी से ब्रेक नहीं हो सकती, नहीं टूट सकती, आपने उनको सर्कल कर देना है। जैसे आप पिलो में और टेबल, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब टेबल है, इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, सो हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है रफ एंड स्मूथ। जो स्मूथ थिंग्स हैं हमने उनको सर्कल कर देना है। अब हमने ये वुड और इस वोलन में से हमने इनको कंपैरिजन किया, तो ये स्मूथ होता है, सो हमने इसको सर्कल कर दिया। नीचे भी आपने चीज़ें जो है उनको देख लेनी है, और जो उसमें से स्मूथ होगा आपने उसको सर्कल कर देना है। ये आपने जस्ट 3 पेजेस जो हैं इनको आपने सॉल्व कर लेना है। इसको एक दफ़ा देख लें, ये रफ़ एंड स्मूथ है, ठीक है, और ये हार्ड एंड सॉफ्ट है, और नेक्स्ट ये क्वाइट एंड नॉइजी, ठीक है। इनको आपने सॉल्व कर लेना है, इन पेजेस को अच्छे से, अच्छी राइटिंग में और पेंसिल को शॉर्प करके आपने इनको सॉल्व करना है। ये देखिए मैंने टिक किया हुआ है क्वाइट थिंग्स को, वो इस साइड पे आपने लिख देना है, और जिनको मैंने टिक नहीं किया वो आपने इस साइड पे लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपने इस पेज को सॉल्व कर लेना है। टेक केयर योर सेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कोशिश करें कि अपना समर पैक जो है वो आप टाइम पे कंप्लीट करें और नीट नीट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।